पूरी रात पढ़ाई करने के बाद, मेहनत करने के बाद जब रिजल्ट नहीं होता है ना, तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत बुरा लगता है। लेकिन इन सारे दुखों को त्याग कर, दुखों को भुला कर एक नई शुरुआत करना होता है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हार नहीं सकते। अरे समय समय की बात है, जिसका आ गया वो छा गया, और जिसका नहीं आया उसे कोई पूछ नहीं रहा। सुबह रूम से लाइब्रेरी और लाइब्रेरी से रूम, आजकल ऐसी ही चल रही है ज़िंदगी। हाँ मुझे पता है कि ये दुनिया सिर्फ सक्सेस को ही सलाम करती है, संघर्ष में तो आदमी अकेला ही होता है। इसीलिए तो जी जान से मेहनत कर रहा हूँ, अकेले ही सही लेकिन अपनी परिस्थितियों से, अपनी कमजोरियों से लड़ रहा हूँ। किसी ने कहा था कि तुमसे नहीं होगा, बस इसी बात को तो पलटना है, क्योंकि जब कोई बात दिल पर लग जाती है ना, तो कामयाब होना ज़रूरी बन जाता है। और मैं कैसे हार जाऊँ इन तकलीफ़ों के आगे। मेरी तरक्की की आस में मेरे माँ बाप बैठे हैं, गलतियाँ भी होंगी, गलत समझा भी जाएगा, ये ज़िंदगी है जनाब, तारीफें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। जागते रहना, पढ़ते रहना, क्योंकि पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है तुम्हें। इसलिए हार को भी सहना सीखिए, क्योंकि हर रास्ते पर जीत लिखी नहीं होती। याद रखना, जिसने संघर्ष को अपना साथी बना लिया, समझो उसने इस दुनिया में खुद को काबिल बना लिया। बिना त्याग के कुछ हासिल नहीं होता दोस्त, सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। और याद रखना, पढ़ाई में आलस करना और लाइब्रेरी में जाकर मोबाइल चलाना माँ बाप के बलिदानों का मजाक उड़ाने के बराबर होता है। इसलिए पढ़ाई कर रहे हो तो केवल पढ़ाई करो, हर चीज़ को साइड कर दो जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक जाने से रोक रही हो। याद रखना, सफलता का पहला कदम हमेशा मुश्किल ही होता है। अगर सफलता इतनी आसान होती तो आज हर व्यक्ति सफल होता। इसलिए जाओ और मेहनत करो।